हम लोग अपना भजिया इंजॉय कर रहे हैं। मॉर्निंग से मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। इधर देखा, देखिए बारिश हो रही है, बादल के गरजने की भी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये है जिंदगी और आज ये दिन सैटरडे, लेकिन मॉर्निंग से मुझे पता नहीं क्यों आज संडे संडे लग रहा है, लेकिन मुझे याद था कि है सैटरडे, पता नहीं लग क्यों रहा है। और अभी दोपहर के नहीं शाम के 4:15 हो रहे हैं और अभी का मौसम इतना मस्त है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। और इस तरह के थोड़े से ठंडे ठंडे मौसम में शाम के टाइम में कुछ मन करता है स्नैक्स खाने का, और पति देव जी को अभी मन कर रहा है भजिया खाने का, तो मैं जा रही हूँ भजिया बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ किचन में। वैसे मॉर्निंग से मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का, लेकिन अभी अभी जब मैं भजिया बनाने जा रही थी तो सोची चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ भजिया की रेसिपी, मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले भजिया की तैयारी। और ये भजिया जो है वो बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आपके प्लेट में तैयार मिलेगी, तो फटाफट से 5 मिनट आप लोग काउंट कीजिए और 5 मिनट के पहले भजिया तैयार हो जाएगी। भजिया के लिए मैं उसका मिक्सर तैयार करूंगी, तब तक कढ़ाई भी चढ़ा करके रख लेती हूँ, क्योंकि उतने देर में कढ़ाई जो है वो गर्म हो जाएगी, तो फटाफट से भजिया भी तल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बर्तन में बेसन लिया है और उसके बाद उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, और साथ में मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और उसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल, और अब इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ। और बेसन जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है डाइजेशन में, इसलिए मैंने इसमें हींग और अजवाइन मंगरेल भी ऐड किए हैं, और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें धनिया पत्ती भी ऐड की है, और आप चाहें तो इसमें थोड़े अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा ये पेस्ट रखा हुआ था अदरक लहसुन वाला, तो उसी में मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और उसी से अब इसका घोल मैं तैयार कर रही हूँ। और ये जो भजिया का घोल होगा वो थोड़ा सा लिक्विडी ही होगा, ज़्यादा इसका जो डो है वो टाइट हम लोग नहीं बनाएंगे, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छा खासा पानी इसमें डाल दिया है, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। और यहाँ पे मुझे प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे थे, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ। और जब इसमें मैंने बेसन ऐड किया तो मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, और अब इसे फिर से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और भजिया का घोल बनकर के तैयार है, तो अब यहाँ पे कढ़ाई भी मैंने पहले ही चढ़ा रखी थी तो वो भी बिल्कुल गर्म है, तो मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, और सरसों के तेल में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पे मैं चम्मच से इसे थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में और भजिया जो है वो हाथों से ही डाल करके बनाए हैं। और इन भजिया को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल लो पे नहीं, आप चाहे तो इसे मीडियम पे फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम लो पे इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है इसमें ऑब्जर्व हो जाएंगे, और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप इसको एकदम 2 मिनट में किसी को भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भजिया जो है वो अब करारे होने ही वाले हैं, मतलब इसका कलर जो है वो अच्छी तरह से अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे पहले बैच की भजिया जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। दिखा तो दीजिए मैडम पकौड़ी। इधर से दिखा देते हैं। वो तो कैसे दिखाइएगा इधर से?
ये देख लीजिए, ढेर सारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अभी ढेर सारी नहीं बनी। बोले तो झकास। और अब यहाँ पे मैं हाथों से ही भजिया को डाल रही हूँ, और मैं हाथों से इसलिए नहीं जल्दी डालती हूँ क्योंकि हाथ जो है वो बार बार धोने पड़ जाते हैं, तो इसी वजह से मैं चम्मच से ही ज़्यादातर डालती हूँ भजिया को या फिर पकौड़ियों को। तो यहाँ पे दूसरे बैच की भी भजिया फटाफट से मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, और ये भी तुरंत एकदम सिक करके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी भजिया तल करके निकाल ली है, और मिर्ची बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहे हैं हरे हरे, लेकिन वो तीखे नहीं है इसलिए मैंने इसमें खूब सारी मिर्ची डाली है। तो मैं यहाँ पे आपको एक भजिया तोड़ करके दिखाती हूँ कि देखिए अंदर से कितने फूले फूले हैं, और बिना सोडा वगैरह के, इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। और जनाब बाहर में इंतज़ार कर रहे हैं भजिया के लिए, बैठे हुए हैं वो बाहर में, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए हब्बी जी का खाने का मन हो गया अचानक से। भजिया हो चुकी है तैयार, और मैं जा रही हूँ पतिदेव जी के लिए लेकर के बाहर में, वो बाहर बैठे हुए हैं। वैसे तो उन्होंने टेस्ट कर ही ली है जैसा कि आप लोगों ने देखा, और जब भी आपको जल्दीबाजी हो तो आप इस तरह से भजिए बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत करारे तो नहीं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लीजिए तो चलिए हम लोग अपना भजिया एंजॉय करते हैं, और यहीं पे मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई ब्लॉग्स।